हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स उमंग बेच के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। लेकिन लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस लिखे थे होमवर्क के, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 7215। यानी कि हमारे को एक नंबर दे रखा है, इस नंबर के अंदर जो दो डिजिट है ये 2, इसकी हमारे को क्या करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं ऑफ 2। तो प्लेस वैल्यू कितनी होगी, कौन से प्लेस पे आ रहा है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे आ रहा है। मतलब कि 2 × 100 इज इक्वल 200। तो इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी फेस वैल्यू पता करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि किसी भी नंबर का जो डिजिट होता है, मतलब किसी भी डिजिट खुद का क्या होगा, वो उसकी फेस वैल्यू होगी। मतलब ये दो डिजिट है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, ये जो डिजिट होगा ये खुद ही क्या होगा, इसकी फेस वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब हमारे को इन दोनों का क्या पता करना है, सम पता करना है। तो सम कितना आएगा, 200 + 2 इज इक्वल 202। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे को फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 and 3 इन 37291। यानी हमारे को ये जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के अंदर जो 3 और 9 जो डिजिट दे रखे हैं, इन डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यूज है उनका हमारे को डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 3 और 9 है, इन दोनों की क्या करते हैं, प्लेस वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। और प्लेस वैल्यूज फाइंड करने के बाद पे इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कितनी होगी। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 और 10 पे आ रहा है, यानी 9 × 10 इज इक्वल 90 होगी। उसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s, 10s, 100s, 1000s और 10000, यानी कि 30000 क्या हो जाएगी, 3 × 10000 इज इक्वल 30000। ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू है किसकी, 3 की। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो। तो 30000 में से हमने क्या किया, 90 माइनस कर दिया, 0। यहाँ से कैरी जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ बोरो करेगा, यहाँ से यहाँ बोरो करेगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 29,910। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। यानी हम लोग नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अब नंबर्स को कंपेयर करने का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं। उसके लिए कौन कौन से साइन यूज करते हैं हम लोग, वो भी मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिया है पूरा, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो, कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है, पहले बताओ नंबर कंपेयर क्यों किए जाते हैं। तो नंबर्स आर कंपेयर टू चेक विच वन इज ग्रेटर स्मॉलर देन द अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ, नंबर्स को कंपेयर इसलिए किया जाता है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा नंबर अदर नंबर के कंपैरिजन में छोटा है और कौन सा नंबर अदर नंबर के कंपैरिजन में बड़ा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 5 और 4। तो 5 और 4 के बारे में अगर हम सोचें तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन करने का मतलब है कि 4 5 के कंपैरिजन में छोटा है और 5 4 के कंपैरिजन में बड़ा है। तो ये जो हमने अभी किया है वो क्या था, नंबर्स को कंपेयर किया था। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम कुछ साइन यूज करते हैं, वो ये जो 3 साइन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनका मतलब भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो बीच में जो साइन यूज किया है, इसका मतलब होता है इक्वल टू। मतलब कि जैसे 5 और 5, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं। ये साइन और ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये साइन है ग्रेटर देन का, ये साइन है लेस देन का। अब इसका क्या मतलब हुआ,
एक चीज ध्यान रखना, जहां भी इसका जो माउथ ओपन होगा, ओपन साइड हमेशा ग्रेटर को बताएगी, और क्लोज साइड जो होगी यानी कि जो वर्टेक्स टाइप की जो बन रही है ये वाली साइड क्या करेगी, हमेशा स्मॉलर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन वाला साइन है, और ये हमारा लेस देन वाला साइन है। ओपन साइड हमेशा ग्रेटर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी मैंने नंबर नहीं लिखा है क्योंकि वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। तो जो ओपन साइड है वो ओपन साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ इसमें भी दो नंबर्स अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं तो जो क्लोज साइड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्मॉलर को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आप लोगों को इनका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर में जो कंपेयरिंग करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर आर डिफरेंट, मतलब हमारे को दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए होंगे, उन नंबर्स के अंदर क्या होंगे, डिजिट्स होंगे, डिजिट्स अलग अलग है, जैसे किसी में दो डिजिट है किसी में तीन डिजिट है, तो हम नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो उनको कंपेयर करने का क्या तरीका है वो समझो कि नंबर विद लेस डिजिट और नंबर विद मोर डिजिट, यानी जिस नंबर के अंदर क्या होगा कम डिजिट्स होंगे वो नंबर क्या होगा, लेस देन होगा नंबर विद मोर डिजिट्स, यानी कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा होगा, जिस नंबर में कम डिजिट है वो नंबर छोटा होगा। इसके लिए मैंने तीन एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, उन तीनों एग्जांपल्स को समझते हैं, आप लोगों को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में एक दो क्वेश्चंस और हम इसके ऊपर करने वाले। तो देखो यहाँ मैंने दो नंबर लिखे हैं 1125 और 73210। तो यहाँ क्या है, इस नंबर में टोटल कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, चार डिजिट्स है। इस नंबर में कितने, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो अभी अभी हमने देखा है जिस नंबर में कम डिजिट है वो नंबर छोटा होता है, और जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है 1125 क्या है, लेस देन होगा 73210 से। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स क्या था, ये 4 छोटा था और 5 बड़ा था, तो उस हिसाब से जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। एक और एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है, इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 है। ज़्यादा कौन से हैं, इस वाले नंबर में ज़्यादा डिजिट्स है तो हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर 1121 इज ग्रेटर देन 263। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। तो दिमाग में बस इतना सा रखना है कि अगर किसी भी नंबर में मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है, तो जिसमें डिजिट ज़्यादा वो नंबर बड़ा, जिसमें डिजिट कम वो नंबर छोटा, बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है। इसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। इस बार तीन नंबर्स दिए हुए हैं, क्या दिए रखे हैं, 21, 100 और 1231। अब यहाँ पे हमारे को ये नहीं पूछा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि तीन नंबर्स में हम लोग बड़ा छोटा नहीं बता सकते। यहाँ पे ये पूछा है कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, यानी कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमारे को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स पता कर लेते हैं। जिस नंबर में भी सबसे कम डिजिट होंगे वो सबसे छोटा होगा, जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट होंगे वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये वाला नंबर क्या होने वाला है, सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजिट्स है तो हम बोलेंगे कि ये वाला नंबर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। आई होप आप लोगों को जब डिफरेंट नंबर डिजिट्स होते हैं वो वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिख लेना, उसके बाद में अलग से हेडिंग डालना ये और ये वाला टॉपिक लिख के, उसके बाद में तीनों एग्जाम्पल्स को क्या करना है, अलग से नीचे लिखना है। सबको जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे तो क्या है कि जगह के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, जिस मतलब ऐसा नंबर्स को कंपेयर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब नंबर्स ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम हो, तो उन नंबर्स को कैसे आपस में कंपेयर किया जाता है। तो उनको कंपेयर करने का क्या तरीका होता है वो ध्यान से समझ लेना कि इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल देन द
डिजिट एट द हाईएस्ट प्लेस। अब ये हाईएस्ट प्लेस का क्या मतलब है वो समझते हैं। तो देखो यहां मैं समझा देता हूं कि जैसे कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर के ये डिजिट्स यहां लिखे हुए, तो इस डिजिट का जो ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा ना, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या कहलाता है? हाईएस्ट प्लेस कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी डिजिट का जो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगा वो उसका क्या कहलाता है? हाईएस्ट प्लेस कहलाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हाईएस्ट प्लेस के डिजिट्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये यहाँ मैंने एग्जांपल लिया 7, 4, 5 और 3, 3, 4। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। जब नंबर ऑफ डिजिट तीन है दोनों में, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इसका सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट कितना आ रहा है? 7 है, और इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट कितना है? 3 है। तो 7 वाला डिजिट क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? 3, 3, 4 से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और समराइज करता हूँ इसको कि हमें क्या करना है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल दिए हुए हैं तो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा, मतलब सबसे लेफ्ट हैंड पे जो डिजिट लिखा हुआ होगा किसी भी नंबर में, उस डिजिट को कंपेयर करके देखना है। वो जिसका बड़ा होगा वो वाला नंबर भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक और पॉइंट लिखा है। वो पॉइंट क्या है वो समझो कि इफ द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस, हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट्स है वो भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हमें क्या करेंगे? देन द हायर प्लेस इज कंपेयर्ड एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि कोई दो नंबर दे रखे हैं, उन दोनों नंबर के डिजिट जो हाईएस्ट प्लेस पे डिजिट है वो दोनों इक्वल हो गए, तो उससे हायर प्लेसेज, ये जो प्लेसेज होंगे ये कौन से प्लेसेज हैं? हायर प्लेसेज है। तो हम क्या करेंगे, इन हायर प्लेसेस को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या है? इक्वल है, और दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स भी क्या है? इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, उससे हायर प्लेस कौन सा है? सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है, और उससे हायर प्लेस कौन सा है? ये वाला। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ 4, 5, 2 इज इक्वल 5, एंड यहां लिखेंगे सेकेंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ 4, 7, 3 इज इक्वल टू 7। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर ये दोनों भी सेम होते तो एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब उससे अगले वाले डिजिट को हम क्या करते? कंपेयर करते। यहाँ पे 7 क्या है? बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि 552 क्या है? छोटा होगा, और 473 क्या होगा? बड़ा नंबर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल करते हैं जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेली लाइफ से जोड़ के बनाया हुआ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है देखो, राम एंड श्याम आर प्लेइंग ए गेम। राम और श्याम नाम के दो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो भाई भी हो सकते हैं, वो गेम खेल रहे हैं सेल फोन पे, यानी अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहे हैं। अब राम गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है, स्कोर होता है कि भाई कौन कितना स्कोर कर रहा है, स्कोर साइड में कॉर्नर में कहीं पर चलता रहता है। तो राम ने कितना स्कोर किया? 2, 4, 5, 7 इतना स्कोर किया राम ने। एंड श्याम स्कोर्स 2, 4, 7, 2 श्याम का स्कोर इतना है और राम का स्कोर इतना है। हमारे को क्वेश्चन ये पूछा है, हु विल बी द विनर बिटवीन टू, इन दोनों में से इस गेम को जीतेगा कौन? तो जिसने ज़्यादा स्कोर किया होगा वो इस गेम को जीत जाएगा। तो हम पहले इन दोनों के स्कोर्स को क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जिसका स्कोर ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मैं राम लिख रहा हूँ और यहाँ श्याम SHYAM। तो राम ने कितना स्कोर किया है, राम का स्कोर यहाँ लिख देता हूँ मैं, राम ने स्कोर किया है 2, 4, 5, 7 एंड श्याम ने कितना स्कोर किया है, यह है 2, 7, 2, 4, 7, 2।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में जिसका स्कोर ज्यादा वो क्या होगा, विनर होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे सेलफोन था, सेलफोन में कोई गेम खेल रहे थे, शाम के पास भी कोई सेलफोन था उसमें गेम खेल रहे थे, दोनों का स्कोर हमने नोट कर लिया। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने का क्या क्राइटेरिया, पहले तो ये देखो कि क्या नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है क्या, तो झंझट ही नहीं है, हमारे को ज्यादा करना ही नहीं है कुछ। जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, कम होंगे, वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ क्या है देखो, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, चार चार है। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी तरीका पड़ा है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट है यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होगा हमारा, उसको हम कंपेयर करेंगे। वो जिसका बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। तो यहाँ देखो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसका दोनों का क्या है, सेम है। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या हो, सेम हो, तो फिर उससे हायर डिजिट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उससे हायर डिजिट भी इन दोनों में क्या है, सेम है। तो उसके बाद में उससे अगले डिजिट को कंपेयर करेंगे, यहां और यहां। तो यहां क्या है, थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कितना है यहां पे, फाइव है। और यहां पे थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट कितना है, इजिकल सेवन है। और सेवन ग्रेटर है तो हम बोल देंगे कि जो शाम है उसका जो स्कोर है वो क्या है, ग्रेटर है। तो जो विनर होगा वो विनर कौन होगा इस गेम का, जो भी ये गेम यहाँ पे खेल रहे हैं, शाम उसका विनर होगा। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में हम लोग उनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद में इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, ये नोट करने के बाद में इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, ये साइड में नोट कर लीजिए कि भाई हाइएस्ट प्लेस का और हायर प्लेसेस का क्या मतलब होता है। इसके बाद में इस एग्जाम्पल को नोट करके उसका सॉल्यूशन यहां नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये मैंने बोर्ड पे लेक्चर नंबर 2 के होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, इनको आप अटेम्प्ट करना। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच केस, आपको तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों केस में क्या करना है हमारे को, जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको फाइंड करना है। जैसे इन चार नंबर्स में से, पांच नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये फाइंड करना है। इनमें से कौन सा है वो हमें फाइंड करना है, इनमें से कौन सा है वो हमारे को फाइंड करना है। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।